हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मेरे पास एक आज बहुत ही काम का चीज़ है, ये है एनरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर विथ स्टेथोस्कोप। ये एगारो कंपनी की तरफ से है और जो हम मेडिकल प्रोफेशनल हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर कोई और हेल्थ प्रैक्टिशनर हो, जिनको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए अपने पेशेंट्स के लिए, उनके लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो इस डब्बे में क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसका क्या क्या खूबी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं जिसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज मेरे पास ये एनरॉइड टाइप ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर है जो हम स्टेथोस्कोप यूज़ करके हम मेजरमेंट लेते हैं ब्लड प्रेशर का, वो ही चीज़ है। लेकिन ये मर्क्यूरी बेस्ड नहीं है, ये इसमें एक एनरॉइड डायल है जिसमें हम मेज़र करेंगे। तो हम चलिए इसको क्विकली अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे ही खोलते हैं हम इस डब्बे को, तो इसके अंदर में एक बहुत ही सुंदर सा ये एक कैरी बैग है। ये देखिए, इसी कैरी बैग के अंदर में वो है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। और ये कैरी बैग भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इससे आपके लिए आसान हो जाता है इसको कहीं भी ले जाने के लिए। कहीं भी छोटा भी है तो आपको उसको कैरी करने के लिए भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक स्टेथोस्कोप है और ये डिसअसेंबल्ड है, इसे हम असेंबल करेंगे, इसे हम बाद में असेंबल करेंगे। और अंदर में क्या है देख लेते हैं। ये है आर्म कफ, ठीक है, यही है आर्म कफ। और इसके अंदर में क्या है देखते हैं। ये एक वारंटी कार्ड है और ये एक मैनुअल है, मैनुअल में इसमें कैसे इस्तेमाल करना है वो सब इसमें मेंशनड है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए पहले से जल्दी से हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें इस स्टेथोस्कोप को असेंबल करना होगा। ये इसका ईयर पीस है, ठीक है, फिर ये इसका एयर ट्यूब है, राइट, एयर ट्यूब भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, और फिर ये इसका डायाफ्राम है। तो हम इसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम ये ईयर पीस को इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं, ट्यूब से लगा देते हैं। ये देखिए, ये अब ये है, रेडी हो गया। आप उसके बाद ये जो डायाफ्राम है उसको भी हम इसके लोअर एंड में हम लगा देंगे, ठीक है। देखिए अब ये पूरी तरह से रेडी हो गया, ठीक है। ये है अब इसका आर्म कफ, ठीक, इसका आर्म कफ भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, इसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये एयर ट्यूब है, एयर ट्यूब भी अच्छा क्वालिटी का है, और इसका ये जो बल्ब है और इसमें ये नॉब है, ठीक है। तो इसी से हमें इसको पंप करना है और एयर को पुश करना है अंदर में। और फिर अंदर में ये इसका डायल है, एनेरॉइड डायल है, देखिए कितना प्यारा है, ठीक है। और इसी के ज़रिए हमें रीडिंग लेना है। तो कैसे हम इसका रीडिंग लेंगे चलिए हम देखते हैं। तो इससे बीपी नापना आसान है, जैसा एक नॉर्मल स्फिग्मोमैनोमीटर, मर्क्यूरी बेस्ड स्फिग्मोमैनोमीटर को हम यूज़ करते हैं वैसे ही इसका रूल्स है यूज़ करने का। तो ये आर्म कफ है, तो आप जिनका भी जिन मरीज का भी आप बीपी मेज़र करना है, आप जैसे लेफ्ट, तो हमेशा लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल करें। लेफ्ट आर्म में आप इसको इस तरह से लगा दें, ये देखिए। और अगर आप इसका रूल्स रेगुलेशन जानते हैं तो आपको जस्ट जो एल्बो लाइन है उससे 2 इंच ऊपर में इसका जो कफ एयर कफ है, आर्म कफ है, उसका जो लोअर बॉर्डर है वो एल्बो का जॉइंट से, एल्बो जॉइंट लाइन से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। तो आप लगभग 2 फिंगर्स का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में यहाँ पे लगा दें। और इसका जो ट्यूब है, एयर ट्यूब है, ये बीचों बीच रहेगा, आर्म के सामने का बीचों बीच में रहेगा। और फिर आप इसे इस तरह से टाइट कर लें, ठीक है। साथ में स्टेथोस्कोप भी है तो इसे आप अपने लगा ले कान में। उसके बाद फिर आप इसका ये जो बल्ब है, इसका जो नॉब है, इसको आप पूरी तरह से टाइट कर लें। फिर आप स्टेथोस्कोप को का जो डायफ्राम है इसको यहाँ पे रखें और फिर आप पंप करें इस तरह से। आप तब तक भरते रहें जब तक ये मीटर में 180 तक दिखाएगा, ठीक है, 180 तक ले जाएं। फिर धीरे धीरे आपको रिलीज़ करना है, आपको यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बीट सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप रिलीज़ करें, आप एक एक पॉइंट आएगा
जब आपको बीट सुनाई देना शुरू होगा, तो इनका लगभग 135 के आसपास इनका बीट सुनाई दे रहा है, अभी बीट सुनाई दे रहा है। फिर अब एक और एक पॉइंट आएगा जब इनका बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट में पहला बीट सुनाई दिया था वो हम लोग का हो जाएगा सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला, तो इनका लगभग 135 है। फिर धीरे 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 घटाते घटाते एक पॉइंट आएगा जब आपको बीट सुनाई देना बंद हो जाएगा, वो पॉइंट होगा आपका डायस्टोलिक, यानी कि नीचे वाला जो रीडिंग है। तो इनका है वो 90, तो यूजुअली 120/80 होता है, इनका 135/90 है इनका ब्लड प्रेशर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, और कितना आसान इसको इस्तेमाल करना, कितना आसान इसको इस कैरी बैग में कैरी करना। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप हेल्थ प्रोफेशनल को इसको खरीदने के लिए, इससे आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। नहीं भी अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये प्रोडक्ट को जाकर के खरीद सकते हैं। आप सबको मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा। कैसा लगा ये वीडियो अपना कमेंट दें और अपना राय भी दें, अपना राय दें कि एक प्रोडक्ट कैसा है। पहली बार हमारे चैनल में है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।